नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां तालाबों को संरक्षित करने के लिए न्यायालय के आदेश हैं। उसके बाद भी भूमाफिया के द्वारा सैकड़ों तालाबों का अस्तित्व मिटा दिया गया है। जो बचे हैं उनके अस्तित्व को भी मिटाया जा रहा है। नदी नालों, तालाबों और शमशान घाट की जमीन को भी भूमाफिया निगल रही है। हालांकि समय समय पर अलग अलग मामलों में जिले के तालाबों को संरक्षित करने के निर्देश कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन पंचायतों में सरपंच सचिवों के द्वारा लगातार गहरीकरण के नाम पर मिट्टी बेची जा रही है। ऐसा ही मामला रीवा जनपद पंचायत के भिठवा ग्राम पंचायत का है, जहां टिकिया टोला में स्थित प्राचीन तालाब की मिट्टी खोदकर सरपंच के द्वारा बाहर बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 2017 से मिट्टी निकालकर सरपंच सचिव अपनी तिजोरी भर रहे हैं। पंचायत में कहीं भी निर्माण कार्य नहीं चल रहा है, इसके बावजूद लगातार मिट्टी का दोहन किया जा रहा है और शहर में ले जाकर मिट्टी बेची जा रही है। स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है, जिसके चलते अब ग्रामीणों ने भी आंख बंद कर लिए हैं। क्या नाम है आपका? मणिशेखर शुक्ला। ये कौन सा गांव है? ये ग्राम पंचायत भिटवा है, भिटवा गांव है। ये तालाब में किसके द्वारा खुदाई कराई जा रही है? तालाब में वैसे तो ये 2017 से हम लोग अवैध उत्खनन हो रहा है। हम लोगों ने 2017 में भी शिकायत की थी और ऑनलाइन पोर्टल में आज भी वो शिकायत दर्ज है, लेकिन जनपद से जो आते हैं यहाँ जांच करने वाले अधिकारी, सत्येंद्र सिंह शायद नाम है उनका, वो हो गया ले दे के अपना क्लीन कर देते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है। विगत 20 दिन से ये रात दिन फिर डंपर लगे हैं, दो डंपर। ये मिट्टी रीवा जाती है और इनके द्वारा, सरपंच द्वारा ये मिट्टी बिक्री की जा रही है 200-300 रुपये डंपर, जो कुछ भी लेते रहे हों उनसे। और वैसे भी माना किए हम लोग, कलेक्टर साहब को भी इसकी जानकारी दी गई है परसों व्हाट्सएप के द्वारा। उनका मतलब व्हाट्सएप से कुछ आया है रिजल्ट भी, एक हमारे साथी उन्होंने किया था व्हाट्सएप, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ये खनिज अधिकारी आए थे तो उनसे ये बताया कि रोड डलवा रहे हैं, जो कि रोड का कहीं कोई काम नहीं लगा है। ग्राम पंचायत के अंदर टोटल मिट्टी ये शहर जा रही है, और इनसे तो आप पूछे हैं जो डंपर चला रहे हैं कि कहाँ बेचते हैं। तो जैसे ग्राम पंचायतों में कोई भी का वो होता है कार्य, तो मजदूरों द्वारा कराया जाता है, यहाँ जैसे एक भी मजदूर नहीं। सांसद निश्चय इनको 3 लाख रुपए, शायद 5 लाख रुपया एक और मत से मिला, 8 लाख रुपए का गहरीकरण यहाँ हुआ है, लेकिन 8 लाख रुपए इन्होंने अपने जेब में रख के उल्टा ये मट्टी कम से कम 2500 लाख रुपए की मट्टी ये बेच चुके हैं। 2017 से ये मट्टी बेच रहे हैं, एक ये तालाब और एक टिकिया तालाब, दोनों तालाब को उन्होंने खाई में तब्दील कर दिया है। नहीं तो जैसे मजदूरों को लगा के गहरीकरण इनको कराना चाहिए था, तो क्या यहां एक तगाड़ी मिट्टी मेड़ में नहीं पड़ी है? एक तगाड़ी मिट्टी। दूसरा ये कि कपिल धारा से भी इन्होंने दो कुआं मंजूर कराए, एक हरजन बस्ती में ये कम से कम 45 साल पुराना इदारा है, और एक अपने पिताजी के नाम से, और कहीं नहीं इनका टोटल कागज में काम चल रहा है। करोड़ों रुपए से ऊपर का घपला है ग्राम पंचायत भिटवा में। मीडिया के समक्ष और शिकायतकर्ता के समक्ष एक एक बिंदु पर जांच हो जाए ना, तो करोड़ों रुपए से ऊपर का घपला निकलेगा। क्या नाम है? मणिशेखर शुक्ला। क्या नाम है? मेरा नाम बैजनाथ विश्वकर्मा। ये कौन सा गांव है? ये ग्राम भिटवा। ये तालाब पे खुदाई, तालाब शासकीय है, तालाब में खुदाई चल रही है मिट्टी की। हाँ, किन के द्वारा कराई जा रही? ये ग्राम पंचायत भिटवा के सरपंच द्वारा। रातों दिन लगी रहती है। ये मिट्टी कहाँ जा रही है? अब मिट्टी का तो कई जगह गांव में भी गिराए हैं, शहर में गिरा रहे हैं, अब शहर में कहाँ कहाँ गिरा रहे हैं, लेकिन हमको ये नहीं मालूम, लेकिन कहाँ जा रही, शहर के अंदर जा रही है, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है, गांव में भी, अपने विसार गांव में भी एक आध दो जगह गई है। तो क्या ये मिट्टी बेच रहे हैं? अब मिट्टी अब बेचते हैं कि नहीं बेचते, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरमन साकेत। ये कौन सा गांव? भिटवा। ये तालाब में अवैध खनन हो रहा है, किसके द्वारा कराया जा रहा है? ये खुदर रही आज 15 दिन से, पता नहीं मिट्टी कहाँ जाती, जानकारी तो नहीं आए, पर मिट्टी 15 दिन से जा रही है। किसके द्वारा खुदाई कराई जा रही है? सरपंच साहब खुदा रहे हैं। क्या नाम है सरपंच साहब? सरपंच साहब का नाम है शेषमणि पांडे। ये मिट्टी कहाँ लेके जा रहे हैं? अभी यह तो नहीं बता, हम विकलांग आदमी हैं तो हम तो ये देखते हैं सर, बाकी का वहाँ नहीं जान कहाँ ले जाते। रात तो दिन रात 11 बजे तक चलती है, बाकी पूरा दिन।
ये मिट्टी का क्या मामला? मिट्टी का विक्रय किया जा रहा है ये सन 2017 से, और कहीं अगर पंचायत में रोड में काम लगा है तो चल के अभी देख लीजिए। नहीं, सरपंच का कहना है कि कहीं नहीं लगा, मैं गांव में कहूँ कि मिट्टी यहाँ से हम बाहर भिजवाते हैं, विक्रय किया जा हमारे पास। अरे विक्रय किया जा रहा है, आज 20 दिन से अभी चल रही है, इसके पहले भी जहाँ जहाँ ये खनाई हुई है पूरा दिख रहा है, ये टोटल JCB से मिट्टी बेची गई है। और खनन का चूँकि पैसा निकाल के हजम कर लिए हैं तो खनन तो करवाना है, चाहे JCB करे चाहे ट्रक डंपर से, है ना? आपका मणिशेखर शुक्ला, कहाँ के रहने वाले? इसी गांव के बिटवा के। आइए सुनाते हैं स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। क्या नाम है तुम्हारा? मोनू रावत। ये तालाब एक जो मिट्टी खोद रहे हो और ट्रक से ले जा रहे हो, ये किसके द्वारा कहा गया है? जी ये सरपंच साहब के द्वारा। सरपंच साहब का क्या नाम है? मैं नहीं जानता, मैं अभी आया हूँ, पर्सनल हूँ यहाँ पर ये गाड़ी चलाने। कहाँ मिट्टी लेके जाते हो तुम? ये किटवरिया में। एक ही जगह पे गिरा रहे हो कि अलग अलग जगह पे? एक ही जगह। किन की यहाँ? अब नाम नहीं मालूम हमको अभी। घर पे गिरा रहे हो किसी के? नहीं, ऐसे ही प्लाट है उसी में गिरा रहे, बराबर कर रहे हैं। कहाँ के रहने वाले? मैं चुआ गाँव का हूँ।